हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी है मिनी सूजी केक, जो हम बनाएंगे छोटी छोटी स्टील की कटोरी में। अगर आपके पास कपकेक के मोल्ड्स नहीं है तो भी आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और साथ ही साथ बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बगल वाला बेल आइकन भी क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। इसका जो बैटर है वो हम ब्लेंडिंग जार में बनाएंगे, ये बहुत ही ईजी केक है। इसके बाद डाल देंगे 1/2 कप प्लस 2 चम्मच चीनी। ऐसे तो केक में पाउडर शुगर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम इसे ब्लेंड करने वाले हैं तो इसमें हम खड़ी चीनी ही डालेंगे। साथ ही में डाल देंगे 1/2 कप दही और 1 कप सूजी। और केक के लिए हमेशा बारीक वाली सूजी लें, लेकिन अगर आप यहाँ पे मोटी वाली सूजी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हम इसे ब्लेंड करेंगे अभी। और साथ ही में डाल देंगे 3/4 कप मिल्क और इसे 20 सेकेंड के लिए हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए 20 सेकेंड के लिए मैंने इसे मिक्सर में चला दिया है, बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया है। और अब हम इसे साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे सूजी फूल जाए। और तब तक हम यहाँ पे कटोरी रेडी कर लेते हैं जिसमें हमें केक को बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने स्टील की छोटी छोटी कटोरी ली है, और आप इसकी जगह कप केक के मोल्ड्स भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास चाय पीने वाला डिस्पोजल है तो भी आप उसे भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ऑयल से इसे ग्रीस करके इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, जिससे कि केक जो है वो ईजिली निकल आए। एक कटोरी रेडी हो गई, इसे हम साइड में रख देंगे। और 10 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर हम कढ़ाई को भी रेडी कर लेते हैं, प्री हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसे हम प्री हीट करेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए और सूजी जो है फूल गई है। तो अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है, और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, सिरका वाइट वाला। ये देखिए मैंने इसे 10 सेकंड के लिए चला लिया है फिर से मिक्सर में। और अब हम इसे डाल देंगे कटोरी में, तो इसे पूरा फिल नहीं करना है, हमें इसे 3/4 ही फिल करना है। और इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे कुछ टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो इस पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इस पर टूटी फ्रूटी। तो बस ये रेडी है, अब हम इसे बेक करेंगे। तो कढ़ाई जो है वो प्री हीट हो गई है, और इस पर हम एक प्लेट रख देंगे इस तरह से, और उस पर रख देंगे ये कटोरियाँ। और अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप इसे 20 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे बेक करना है हमें इसे। तो ये देखिए 25 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से केक जो है वो हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक से, बीचों बीच इसे इंसर्ट करें। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक रेडी है। तो अब हम इसे बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे, इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने और भी कप कटोरी में बना लिया है, इसे अब हम डीमोल्ड करेंगे। तो पहले नाइफ को आप इस तरह से साइड में रन कर लें, और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना शानदार केक बना है और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी केक बना है, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, इसे बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, और वो भी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने देख ही लिया। हमने इसका जो बैटर था वो ब्लेंडर में बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।